2004 में भारतीय टीम में डेब्यू करने वाले दिनेश कार्तिक आईपीएल 2022 में अच्छा प्रदर्शन के कारण और भारतीय टीम में चयन होने के कारण एक बार फिर चर्चा में हैं। वैसे तो दिनेश कार्तिक की लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए हैं और यहां तक कि एक बार तो उन्होंने आत्महत्या करने की भी सोच ली थी, लेकिन तमाम कठिनाइयों और परेशानियों का डटकर सामना किया और आज भारतीय T20 टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। आज हम दिनेश कार्तिक के बारे में 10 अननोन फैक्ट और रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दिनेश कार्तिक के नाम ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी भी नहीं टूट सकता। वो T20 मैच में मैन ऑफ द मैच बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 2006 में खेले गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के पहले मैच में दिनेश कार्तिक मैन ऑफ द मैच बने थे। उन्होंने 28 गेम पे 31 रन बनाए थे। फैक्ट नंबर 2, दिनेश कार्तिक के पिता कृष्ण कुमार भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला जिसके कारण उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा, लेकिन दिनेश कार्तिक के पिता ने उनको पूरा सपोर्ट किया और उनके पहले कोच भी बन गए। फैक्ट नंबर 3, नेदाज ट्रॉफी के फाइनल में लास्ट बॉल पर मारे गए सिक्स को कौन भूल सकता है। जब कार्तिक ने 8 गेंद पर 29 रन बना के भारत को रोमांचक जीत दिलाई थी, उस मैच में कार्तिक मैन ऑफ द मैच बने थे। दिनेश कार्तिक सबसे कम गेंद खेलकर मैन ऑफ द मैच बनने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है दिनेश कार्तिक एक डांस शो में भी हिस्सा ले चुके हैं। 2008 में डांस रियलिटी शो एक खिलाड़ी एक हसीना में निगार खान के साथ डांस कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है दिनेश कार्तिक 2014 के IPL ऑक्शन के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, जब दिल्ली डेयर डेविल्स ने उन्हें 12.5 करोड़ की महंगी कीमत पर खरीदा था। फैक्ट नंबर 6, दिनेश कार्तिक की क्रिकेट लाइफ में उतार चढ़ाव के साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में भी कई परेशानियां थीं। साल 2007 में अपने बचपन के प्यार निकिता से शादी की थी, लेकिन निकिता का अफेयर मुरली विजय के साथ होने के कारण दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने 2015 में स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल के साथ शादी रचाई थी। फैक्ट नंबर 7, IPL 2022 में कार्तिक ने 8 गेंदों पर 375 की स्ट्राइक रेट से 30 रन की पारी खेली थी, जो कि किसी भी भारतीय द्वारा कम से कम 30 रनों की पारी के दौरान बनाया गया सबसे तेज स्ट्राइक रेट है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं IPL 2022 में दिनेश कार्तिक 10 बार नॉट आउट रहे थे। वह ऐसा करने वाले IPL इतिहास के धोनी के साथ संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं दिनेश कार्तिक भारत के इकलौते एक्टिव खिलाड़ी बचे हैं जिन्होंने साल 2006 में पहला T20 मैच खेला था। उनके साथ के लगभग सभी खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, दिनेश कार्तिक क्रिकेट मैच के दौरान एक अलग तरह का हेलमेट पहनते हैं। दिनेश कार्तिक का ये हेलमेट एक स्टैंडर्ड बेसबॉल हेलमेट है जो कि बाकी हेलमेट के मुकाबले हल्का होता है, जिसकी वजह से उन्हें शॉट मारते वक्त मूवमेंट करने में सहायता मिलती है। अगर आपको दिनेश कार्तिक के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।